मेरी आमना मेरे पास बैठी हुई है, ये फरमाइश करना चाह रही थी लेकिन ये नहीं बोल रही कैमरे के सामने, क्योंकि उसको पता नहीं गया कैमरा आना है, कैमरे के सामने नहीं बोलती, बहुत शर्माती है। कह रही थी कि राबा बाबा रश्का लेकर दो, रश्का रश्का, क्योंकि रश्के पे जहर आसानी के साथ बोला जाता है आता है, लेकिन उसके लिए हम कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके वाले नहीं, रश्के का इंतजाम हो जाए तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे सब स्कूल जाते हैं उस पर टाइम से जाएंगे टाइम पे आएंगे। इस तरह जो है मुझे एक दफ़ा तीन बच्चों को लेके छोड़ के फिर वापस घर आता हूँ, दोबारा फिर तीन बच्चों को खा के लेके जाता हूँ, यानी खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा होता है, और उसके अलावा बच्चे सुकून टाइम पे नहीं पहुँचते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवारस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं है अल्लाह आपको खुशियाँ और सलामती दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, कामयाबियाँ दे, कोई गम ना हो। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके हैं अल्लाह उन सबकी मफर फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सबरे जमीले तक करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखरत में भी अच्छा दे। यकीन जाने के ये बहुत बड़ी नेमत होती है, वालदैन बहन भाई जो दुनिया से जाते हैं, जिनके जाते हैं उन्हीं से पूछें और उन्हीं से ही खबर लें, और जिनकी औलादें भी दुनिया से चली गई और माँ बाप से पूछें कि ये दर्द क्या होता है। अल्लाह सब वालदैन को सब्र जमील अता करे, जिनके दुनिया पाने से जा चुके बहन भाइयों को भी, तमाम को जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उन सबकी मौकों को मैं दर्जा बुलंद करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत करें, ये लेकर आ गई साथ पानी भी, यानी कि ये कह रही है ये प्लास था ना, आमना आगे से हटो, आमना इधर आओ, आज सलाम भी करो दुआ भी करो, ये बोलो बोलो भी सही, दुआ करनी है। आमीन आमीन, अल्लाह खुशियां दे, सलामती दे, कामयाबी दे, कोई गम ना हो, खुश रखे अल्लाह, आमीन रब्बुल आलमीन। और तो फूल ये कि बच्चे टाइम से रखे पे चले जाया करेंगे, आ जाया करेंगे, आसानी हो जाएगी, क्योंकि रिश्के के बगैर इनको मैं सपोर्ट नहीं छोड़ सकता इस तरीके से, लेकिन सफ़र है दूसरा रास्ता भी अगर दुश्वार होता है, और आगे सर्दी शुरू हो चुकी है और उस सूरत में मुझे और भी मुश्किल हो जाएगी, और क्योंकि बच्चे सर्दी के बीच में जाना आना, सामने जो आगे फ्रंट पे बच्ची को बैठाते हैं रिश्ते पे मोटरसाइकिल के ऊपर आगे, तो सामने वाला होता है उसको ठंड ज़्यादा लगती है। आमना अभी मामा की बात सुनो, रुमाल हाँ रुमाल लेकर आओ, छाबे छाबे छाबे, ये देखिए इसने बोला है कि छाबे ला कर दो छाबे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। असल में ये मोटी लकड़ियाँ ना, इनको आग नहीं लगती, इनको आग नहीं लगती, बड़ी मुश्किल होती है, जला जला के थक जाते हैं। अभी आग को जलाते जलाते तकरीबन कोई 20-25 मिनट गुजर गए, लेकिन जब जली और उसके बाद फिर ख़त्म, आग ख़त्म हो गई, आग जल रही है, नहीं जल रही, जल रही है, चलो शुक्र है शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसे इशारे से पूछ रहा था कि पत्ती थोड़ी डाला करो, ज़्यादा नहीं, कह रही मैं ज़्यादा डालूंगी तो मुझे सुकून मिलता, नींद नहीं आती, फिर क्या फ्रेश हो जाती हो, कम कम डाला करो। ये देखिए जी, मैंने इसको कहा थोड़ी डालें, थोड़ी, ये देखिए जी बहुत ज़्यादा डाल, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अलग है ये चाय अपना, मैं तो फायदेमंद नहीं समझता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चाय डाल रही है। मेगा मेरी जो है ना, इसने गोबर बनाई है, लिक्विड की है, लिक्विड करके ये हमसायों के घर से मंगवाई थी, इसमें सुबह बच्चे को बोला जाके ट्राली भर के ले आओ, ये रेडी लेकर गए, वहाँ से भर के ले आए, किस ये बता रही है, उधर से भर के लेके आए हैं हमसायों के घर से, दो चक्कर, अच्छा दो चक्कर करवाए इसने, ये दो चक्कर ये लेके लेके आए हैं, ये सारी लगा रहे इसी तरह आगे ये भी, और ताकि ये मिट्टी वगैरह खाके से बच जाए। देखो ये इसकी एक सोच है, और हम देखते रहते थे, मेरी वालदा भी लगाती थी और अभी भी वो लगाते हैं, ठीक है जी, ये उन्हीं को देख के जो है ना ये लगा रही आगे, इसको एक किस्म का चाहिए प्लस्तर टाइप की तरह, यानी कि हो जाएगा प्लस्तर तो नहीं होगा, लेकिन मिट्टी खाका वगैरह वक्ती तौर नहीं उड़ेगा, वक्ती तौर नहीं उड़ेगा। लेकिन इस पर जानमाज के हवाले से जो है नमाज पढ़नी होती है, तो ये इस हवाले से बताना है आप लोगों ने, कि क्योंकि हमने, मैं तो चारपाई पे बैठ पढ़ता हूँ, बच्चे अंदर रूम में बैठ के पढ़ लेते हैं, और कभी कभार जो है ना इस फर्श पे बैठ के पढ़ लेते हैं, इस फर्श की सफाई भी करनी है, इधर बैठ के पढ़ लेते हैं, क्योंकि जी कभी कभार ऐसा होता है, और इसको हमने इस्तेमाल अभी बीच में करना छोड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे इसको। ये फूल
फूल हैं जी, फूल माशाल्लाह, ये देखें बहुत प्यारे फूल हैं, खूबसूरत, खुश हो रही है जी। तो चलिए कि मेहमान मगरब का वक्त भी करीब हो चुका है और जब अभी शाम की बेगम बनाने लगी है तो घी खत्म हो गया, यानी कि इस वक्त खाने के लिए मुकम्मल घी नहीं है। अच्छा जरा जाओ खरीद दिखाओ, वो अपनी माँ को दिखाया तो बेटे को ना सबसे बड़े को भेजा है, हम सारे अभी टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम नहीं है जी। बाल्टी दिखाओ, ये देख लीजिए, यानी कि देखो क्या बंदकी के बंदा क्या खरीदे क्या नहीं, गोभी बना रहे हैं, गोभी फूल गोभी, माँ की बोली है, ये देखने कि हम कोशिश करें कि आइंदा नेक्स्ट जो है कोशिश करेंगे जो भी वीडियो बनाएंगे ताकि हम आपस में बातचीत कैसे करते हैं, काम काज दूसरे को जो कहना होता है कैसे कैसे बच्चे अपनी माँ से कैसा बात करते हैं या फिर अपना क्या कहते हैं इसे इनकी माँ बच्चों से कैसे बात करती है। जैसे आप गौर करें अपनी अभी भी वो अपना फातमा कह रही थी पानी लेकर आओ, फातमा जो है ना बहुत देख रही है उसमें जो बर्तनों का भरा शोर है ना बर्तनों का, उसमें तो बर्तन तलाश कर रही है बर्तन, वो उसको बर्तन नहीं मिल रहा, बर्तन जिस लेके आती है तो फिर चलो बेटे को मैंने भेजा था हमसायों को घर से जाके लेने के लिए, ये ना एक पैकेट लेके आया है वहाँ से, उनका शुक्रिया क्योंकि वो इकट्ठा लेते होंगे जैसे हम भी लेके रखते हैं, लेकिन ये कि हमारा खत्म हो गया था हमें पता नहीं चला कि कैसे खत्म हुआ। तो देखें जी कम था तो सूरत में हमने ऊपर से घी डाला, यानी कि बेगम ने बाकी जो उसमें बाल्टी में डाल दी है, असल में हम इस्तेमाल करते हैं वर्सेब का, वो बाल्टी लिखा होगा बच्चे, बेटा जरा बाल्टी लाओ जरा घी उसमें है, ये डोलना देना ठीक है, ये उसके ऊपर ये वर्सेब का जो है ना ये बहुत अच्छा है ज़बरदस्त, ठीक है जी यहाँ रखो, ये आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ नज़र, ठीक है जी ये साइड पर वर्सेब, और इसमें अभी ऐशा का डाला है जबकि ऐशा की हम इस्तेमाल नहीं करते, हम करते हैं वर्सेब का, लेकिन ये का मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं वरना हमें नहीं कर रहा। अभी हालांकि एक वीडियो का हमने क्लिप बनाया तो मुझे बीच में खांसी आ गई तो उसको डिलीट कर दिया, तो बेगम पता क्या बोली, कह रही है टीका लगाओ, अब खुश हुई बैठी है अब लेके फिर आई है, अब फिर आई है मैं इसको डिलीट कर रहा, कह रही टीका लगवा रात में आप खुश हो रही माशाल्लाह, तो मैंने कहा डॉक्टर पैसे लेता है, इसे मैंने इशारा किया रात जब हम दवाई इनकी लेके आए ना, इसे मैंने इशारा किया कितने पैसे लिए 2000, यू इशारा क्यों कर रहा हूँ, ये बिलो है ये जानवर बिलो वाले पैसे जो है इन्होंने लिए 2000 रुपये, ठीक है जी। तो मेरा ये काम खाती अब करी है तो मैं तो जा रही थी ऊपर अल्लाह के पास, अल्लाह ने बता लिया अलहमदुल्ला। रात जो हमारी गुजरी है पहली रात वो सामने वाले और बाकी जो है अहमदपुर यहाँ चारबी पे बाहर रात सोया, यहाँ यानी कि बरांडे के नीचे, और कुछ बच्चे यानी कि उधर कुछ इधर, यानी कि बच्चे जो सुबह डरते रहे रात को और हमें भी फिक्र लगी रही कि बच्चे आप उधर सोए, कुछ उधर सोए हुए हैं कुछ उधर सोए हुए हैं, किस तरीके से हाल निकाले के हम जो है ऐसा हाल निकाले के ताकि साथ सारे इकट्ठे सो सकें, लेकिन रूम के अंदर जगह नहीं बनती, रूम के अंदर जगह नहीं बनती, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह साजिदा फरमाएगा, और दुआ करना अल्लाह ताला हमारे मसाइल और परेशानी दूर कर देगा। ये जान नमाज पढ़ी जी, मैंने नमाज पढ़ ली शाह की, अब मज़ीद भी इंशाल्लाह जिक्र अज़कार जो होंगे वो भी करेंगे सुबह, अभी यानी कह रहे हैं सुबह, सॉरी मुंह से निकल गया। और ये है हमारा रूम इधर वाला, ये हमारा सारा सामान, ठीक है जी, अल्लाह 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 बेहतर करेगा, और ये सामान पड़ा हुआ हमारा, ये कपड़े देख ले, और ये एक चारपाई इस साइड पे, अल्लाह 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 देगा इंशाल्लाह अल्लाह देगा। और ये रूम है सामने, आगे से हटो जरा शरा मैंने के इसको हटो, ये है जी हमारी सेफ अलमारी जो टूटी हुई है, ये देखें आपके सामने उधर का उसका पल्ला भी, ये भी नहीं है टूटी हुई, और बीच में
यहाँ सारा कुछ ये कपड़े यहाँ पे पड़े हुए, और वरना यहाँ ऊपर जैसे ये लगे हुए, जब यहाँ झाड़ू लगाते हैं ना इस जगह पे, सारे मिट्टी खाका वगैरह उड़ता है। अब हम आपको बाहर का इधर की सुरचल दिखाते हैं, दूसरे रूम की। अब हम यहाँ से बाहर की सुरचल, ये हमारा बाहर वाली जगह वही आ गई। ये अमित गुल बैठा हुआ है, और इधर फातिमा, और ये रूम हमारा आ गया। इधर हम रात को, अब दूसरी रात हमारी, ये हमारा जनाब रूम है आपके सामने। ये जनाब सोए पड़े हैं, और चार पीछे वो एक वो और बड़ी बेटी जो है ना, उन्होंने अपना सुकून का काम, अपना यह सबक याद कर रही है। बेगम जो है ना अपना ये देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये खिड़की ये जो देख रहे हैं हम आपको गिला, ये बारिश से ना ये नीचे बहता रहा है, और बगैर यहाँ मिट्टी जमा हुई पड़ी है, ये यहाँ पे मिट्टी जमा हुई पड़ी है। अभी रात का टाइम है, शायद आपको सही नज़र ना आए। ये देखें सारी मिट्टी उधर पर से बहती रही है, ये आई पड़ी है मिट्टी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरीन अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। महंगाई बेताशा है कि बच्चों के शूज लेने स्कूल के, चार बेटियां स्कूल जाती हैं और दो बेटे जाते हैं, छः और सातवां जो है छोटा हमारा वर्कर जहर, उसके भी लेने होंगे, बेगम के भी लेने हैं, और मैंने भी अपने लेने, क्योंकि मैंने इसमें लिए थे लेकिन वो ख़राब हो गए। सर्विस कंपनी वालों को मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे क्लेम करके दें, लेकिन उनका क्लेम तो बनता भी है, ये नहीं है कंफर्म नहीं है, लेकिन उसको उतार के दें, हम कंपनी भेजेंगे, वो क्लेम देंगे। तो फिर मैंने कहा भाई उतार के मैं दे दूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, आप तो ये कि हमें जब पैसे आप लोग नकद लेते तो हमसे हमारा काम भी नकद करो ना, लेकिन उनका ये हमारा हमारे अख्तियार में नहीं, हम क्या करें वहाँ, क्योंकि उनके मुलाजिम होते हैं, वो कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो देखे जी, वो आमला कहती है मुझे पराठा बना कर दो, आयशा कह रही मुझे बना कर दो, और ये पराठा इनका बनने जा रहा है। आयशा आमला का तो बना के दे रही बेगम, वो भी चीनी का, लेकिन ये कि बात तो ये सालन के बना के देने चाहिए इनको, सालन के लिए सालन के बना के दो, चीनी वाला नहीं, वो सही नहीं होते, आमला सालन वाला हो, आमना कह रही नहीं मुझे चीनी वाला पराठा बना कर दो जी, चीनी वाला। ये चीनी वाला जो पराठा बना के दिया था एक को, आमना को तीनों ने बांट लिया है, आमना का नाम हो गया, तो ये तीन वो आमना पीछे हो गई जी। आमना आ जाओ बेटा, ना 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 आमना ऐसा नहीं करते। ये फातिमा ने भी कब्जा कर लिया है, साथ ऐशा ने भी कब्जा कर लिया है, तीनों जो है ना ये देखे खुश हो रही है उससे, नाम आमना का, और तीनों ये मिलके खा रही है। देखे कितना प्यार मोहब्बत है इनका आपस में, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, नेक बनाए और बुरी नज़र से बचाए, इनके नसीब अच्छे करे। देखें जी फूल किस तरह खिले हुए हैं, फूल कितने प्यारे खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दिन को जनाब इस टाइम अपना जैसे धूप लगती है खिलना शुरू हो जाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे, और जो शाम होती है रात को फिर ये मुरझा जाते हैं, क्योंकि धूप की वजह से ना ये खिलते हैं, सर्दियां हैं, और ये बेरी के ऊपर ना बेर लगने का आगाज़ होने जा रहा है, इनको हल्के हल्के फूल लगे, हालांकि ये भी छोटी सी बच्ची है, लेकिन अभी से यानी कि इसका ऊपर बुरा लग रहा है। अल्लाह की कुदरत देखो कि ये जब बेर इस पे लगेंगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप हमारी वीडियो देख रहे थे, हम आपसे जाने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे हौसला अफजाई क्या करें, वीडियो को पूरा देखा करें, शेयर करें, लाइक करें, आपकी मेहरबानी होगी, और दुआ करो सलाम यो ऐसा करके देख लीजिए, दुआ दुआ उधर उधर दुआ दुआ करो, अल्लाह ताला खुशियाँ दे, इस्लाम दे, कामयाबी दे, कोई गम ना हो, अल्लाह खैर अफियत के साथ ले जाए, ठीक है दुआ। और जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह उन्हें औलाद भी दे दे, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपसे इजाज़त चाहेंगे फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।